हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ेद मटर की सब्ज़ी कैसे बनती है उसके बारे में थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप चाट की तरह देखिए। रात भर मैंने इसको भिगो रखा है, रात में होल नाइट। सफ़ेद जो सूखी मटर होती है उसे, उसके बाद पानी निकाल दिया और दो इस ओनियन लिए, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगी। कट गई। अब बनाने की तैयारी। गैस करो ऑन। गैस ऑन कर कर अब उसके ऊपर कुकर जब गर्म हो जाए तो उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़े से जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगे, मतलब हल्का हल्का आवाज़ आने लगे, रेड हो जाए, ब्राउन जैसा हो जाए, तो उसमें हम ओनियन जो कटे थे उसको डाल देंगे। इसको ज़्यादा, ये मटर को ज़्यादा भुनना नहीं होता है, बस इसको में डालकर 2-3 मिनट प्याज को गुलाबी होने देंगे। और उसको गुलाबी हो जाएगा तो फिर वो सफ़ेद मटर डाल देंगे। अभी थोड़ा सा भूनेंगे इसको। अब इसको मटर डाल देंगे और साथ में मसाले भी डालकर, नमक डालकर पानी डाल देंगे। बस थोड़ा 2-3 मिनट इसको भूनना होता है, ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं। जैसे और सब्जियों को भूनते हैं, एकदम मिक्स करते हैं, इसको मिलाने की जरूरत नहीं होती है। बस और सारे मिला कर स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और डालकर पानी डालकर, और कम से कम इसका सीटी कम से कम 6-7 सीटी विस्तरी में होना चाहिए। दो तीन मिनट मसाला भुनने के बाद पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसमें। और आपको पहले ही बताई मैं, पानी अच्छा खासा मतलब डालना है, ऐसा है कि इसको पकना चाहिए, थोड़ी गलने में टाइम लगता है इसमें। तो 6-7 सीटी विस्लिंग अच्छे से करने के बाद भी अगर नहीं गले तो आप 1-2 सीटी और भी लगा सकते हो। ये देखिए ढक्कन लग गया, अब इसे पकने देते हैं। जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी पकने के बाद का भी दिखाऊँ। और
और ये रहा बन गया। अब कुकर सा सीटी पानी ना जानते ये कुकर में पानी सूखता नहीं है, इसलिए मैंने गैस पे अलग से इसको पानी को सुखाने के लिए चढ़ा दिया है। बन के रेडी हो गया।